हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल। विशा गणित स्टार्ट करांगे। कल आपां सत तक सवाल करे सी। सतवां सवाल सी खाने विच वड्डा छोटा या बराबर चिन्ह भरो। उम्मीद करदा तुसी इह सवाल कर ले होणगे। अगर नहीं करे तो इन्हां नूं जरूर करना। इन्हां दे उत्तर मैं हुणे फोटो खिंच के पेज दी तुहानूं पावांगा, उत्तों तुसी चैक कर लेना। अगला जिहड़ा सवाल है अपना, वह सवाल है बच्चों अठवां सवाल। अठवें सवाल दे विच की करना है कि आपां अठवें सवाल दे विच आपां देखो करना है हेठ लिखियां संख्यावां विच्चों सब तो वड्डी संख्या लिखो। हुण देखो वड्डी संख्या इहदे चों लिखणी है ते किहड़ी लिख सकदे आपां? वड्डी संख्या लिखनी है बच्चों, ध्यान नाल देखो। मैं पहला भी समझाया तो तुसी करिया भी है। अठवें दा ए, पहली संख्या 96, दूजी है 279, तीजी है 961, चौथी है 899 ते पंजवीं है 99। पहली गल तो देखो सब तो वड्डी संख्या, इहदे अंदर दो अंक वाली संख्यावां भी ने ते तीन अंक वाली संख्यावां भी। इहदा मतलब तीन अंक वाली संख्या दो अंक वाली संख्या तो वड्डी होगी, इस करके आपां तीन अंक वाली संख्या चो वड्डी संख्या लभांगे। हुण तीन अंक दी संख्यावां विचाले वालियां रह गईयां 279, 961 ते 899। लभण दा तरीका मैं तुहानूं दस्सिया सी की है। लभण दा तरीका यह है कि आपां सैकड़े दा अंक देखणा है। पहली संख्या दा सैकड़े दा अंक है 2, दूजी संख्या का सैकड़े दा अंक है 9, तीजी संख्या का सैकड़े दा अंक है 8। पहली संख्या का की सी 2, दूजी संख्या का 9, तीजी संख्या का 8। हुण इन्हां चों वड्डा किहड़ा है? 9 वड्डा है। 9 वड्डा है तो इहदा मतलब संख्या वड्डी है 961। इस तरह बी, बी दे विच 163, 894, 534, 106, 119 वड्डी संख्या। सैकड़े दा अंक देखांगे, सैकड़े दा अंक सब तो वड्डा है जिहड़ा वह किहड़ा है? 8। इहदा मतलब संख्या वड्डी है 894। अगे देखांगे अगले च अपने कोले है 794, 895, 564, 381 ते 678। हुण पहले च 7 है, फिर 8, 5, 3, 6 वड्डी वड्डा अंक किहड़ा है? वड्डा अंक है 8। तो इहदा मतलब संख्या किहड़ी वड्डी है? 895। ठीक है बच्चो, इस तरह इस तो थल्ले जिहड़ा सवाल है उस च सब तो छोटी संख्या लभणी है। सेम सब तो छोटी लभणी होगी तो सब तो छोटा अंक लभांगे। इस तरह तुसी ए बी सी डी नूं भी करना है। डी च सब तो वड्डा अंक किहड़ा दिखदा तुहानूं? पहले च एक है, दूजी दो अंकां दी उहनूं छड्ड देना, तीजी च भी एक है सैकड़े दा अंक, फिर सैकड़े दा अंक 2 है, फिर सैकड़े दा अंक 8 है। तो संख्या सब तो वड्डी किहड़ी है? 891। हुण इहनूं करना किवें है, तुसी इहदा उत्तर किवें देना है वह मैं तुहानूं दस दिंदा। आंसर देना जिवें ए, ए नूं लिखना तुसीं पहलां अठवां उत्ते सवाल पा के सारी लाइन हेठ लिखियां संख्यावां दी ओह वाली लिख लेनी है। फिर ए लिख के इत्थे लिखना है सब तों वड्डी संख्या बराबर है 961। ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ 961। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਹੂਗਾ, 961 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, 894 ਆ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ।
ठीक है बच्चे हो? सो ए सी सब तो वड्डी संख्या। इस तो अगला सवाल है जिहड़ा उस च सब तो छोटी संख्या, इवें सवाल करना है, सब तो छोटी संख्या लभनी है। छोटी संख्या वास्ते तीन अंकों की नहीं, हुण आपां दो अंकों की अगर कोई संख्या है उन्हूं देखांगे। पहले सवाल च एच दो अंकों की इको संख्या है 99, तो सब तो छोटी संख्या कि 99। अगे आ जाएंगे हुण इहदे च सारियां तीन अंकों दीआं संख्यावां ने, बीच तो बीच तीन अंकों दीआं ने, तो आपां किहड़ा लभना सब तो छोटा अंक, सब तो छोटा अंक एक है, एक तो तीन संख्यावां च है। फिर आ जाएंगे दहाई दे अंक ते, दहाई दा अंक सब तो छोटा इहदे च जीरो है, इहदा मतलब 106 सब तो छोटी संख्या है। जे ये भी बराबर हो जाता फिर आपां इकाई दे अंक ते चलते। सो ये तुसीं दो सवाल जिहड़े ने सत्तवां ते अठवां सवाल, ओ सॉरी अठवां ते नौवां सवाल करने ने। सब तो वड्डी संख्या लिखो ते सब तो छोटी संख्या पता करनी है। ये दोनों सवाल तुसीं आपदी कापी दे उपर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।